हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो को बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम टाइम एंड अर्थ का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, तो यहाँ पे भी हम बहुत ही अच्छे बेसिक्स एकदम बढ़िया लेवल से आपको पढ़ाएंगे। और जो भी बच्चा हमारा पूरा मैथ का कोर्स फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देखेगा, वो 101% 50 out of 50 मार्क्स लाएगा और टायर वन में, और 190 प्लस स्कोर करेगा सीजीएल के टायर टू में। ये तो मेरा पर्सनल गारंटी है। जैसे कि हमने जीएस एकदम बेस्ट लेवल पे पढ़ाया था, जैसे कि हमने आपका वोकैब बहुत अच्छे बेस्ट लेवल पे पढ़ा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। जीएस और टेलीग्राम वोकैब यदि आपको करना है ना, तो टेलीग्राम पे वो पूरा का अपना, है ना, विशाल सर सेंट्रल एक्सरसाइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। वहीं पे हम इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करके ले रहे हैं और रीजनिंग भी हम वहीं पे प्रैक्टिस करके ले रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ दिनों के बाद हम इंग्लिश का भी बहुत ही अच्छे से हम वहां पे ऑडियो लेक्चर करने वाले। तो ये सब पूरा का पूरा, यानी पूरा पूरा का पूरा सीजीएल आपको एक ही जगह पे सबसे बेस्ट कंटेंट मिले, इस हिसाब से मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही इजी, सबसे इजीएस्ट वे से, सबसे स्मार्टेस्ट वे से मैं आपका प्रिपरेशन करके लूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ रिलैक्स होकर पढ़ना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी टेंशन है ना मुझे भेज दो, मैं तुम्हारा सब टेंशन हैंडल कर दूंगा। आपको सिर्फ रिलैक्स होकर एकदम मस्त से पढ़ाई करना है ना, एकदम बढ़िया तरीके से आप टॉपर बनेंगे, उसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में इतना अच्छा अच्छा कमेंट दिया ना, इसलिए मैंने अभी मेरा एक चेंज कर दिया। मैं पहले क्या करने वाला था, एक दिन वीडियो एक दिन ब्रेक ऐसे करने वाला था, लेकिन मैं अभी हर रोज मैथ के वीडियो डालने वाला हूँ, है ना। इसकी वजह से अपना कोर्स भी बहुत अच्छे से फास्ट से एकदम बढ़िया वे से कम्प्लीट कर देंगे, ठीक है। देखो कोर्स तो तुम्हारा 6th to 7th month में एकदम इजीली कम्प्लीट हो जाएगा, और 6th to 7th month के बाद यदि आपने सीजीएल का टायर 2 का एग्जाम भी दे दिया ना, तो 190 प्लस आप स्कोर कर दोगे, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, है ना, मैं आपका रिविजन भी करके लूंगा, है ना, मैं आपकी पढ़ाई भी करके लूंगा। इसकी वजह से आप एकदम 101% 190 प्लस स्कोर कर लोगे। देखो बाकी क्या होता है, बाकी जगह पे आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हो ना, लेकिन मैं आपका यहाँ पे रिवीजन करके लूंगा। जैसे मैंने जीएस का आपका रिवीजन करके लेता हूँ, जैसे ओके आपका करके लेता हूँ ना टेस्ट लेके, और ये उसी टाइप से एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच हम करके आपका मैथ भी एकदम बढ़िया लेवल करके देखेंगे, है ना। और यदि आपने ये फर्स्ट टाइम यदि आप यहाँ पे यूट्यूब पे आए ना, तो यार वीडियो को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट वीडियो से देखना भाई, बीच में बिल्कुल नहीं आना। फर्स्ट वीडियो से आओगे ना तो ही तुम्हें 101% बेनिफिट मिलेगा, और नोट्स जरूर बनाना। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है। तो हमने निकल लास्ट 7th, हमने क्या कर लिए थे, क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कल टेलीग्राम पे एक टेस्ट भी लिया था आप लोगों का, उस यही जो हमने पढ़ा था ना उसी के बेसिस पे वो टेस्ट था, और आप सभी लोगों ने उसमें बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना, नोट्स बनाना, फिर टेस्ट देना, ये सब कुछ आप करते रहना, टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलते जाएगा हर रोज, है ना। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी एंड ए टेक्स 20 डेज टू डू अ जॉब, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द सेम जॉब। देखो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उसके ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं, यदि वो समझ में आ गई ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। सिंपल सी बात है ना, जैसे देखो इफिशियंसी, टाइम मेनी डेज और टोटल वर्क, इसमें क्या रिलेशन होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला आपके पास 30 एप्पल्स है, यानी 30 क्या है तुम्हारा टोटल वर्क है ना। मैंने बोला आपको कि आप हर रोज दो दो एप्पल्स खा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कितना डेज लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा आपको, 15 days लगेंगे, है ना। आप हर रोज दो दो एप्पल्स खा रहे हो तो आपको कितना 15 days लगेगा, तभी आप टोटल 30 एप्पल्स खा लोगे, है ना। अभी मैंने ये बोला आपका टोटल वर्क तो कॉन्स्टेंट है, टोटल वर्क हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये क्या कर रहे हैं इफिशियंसी ना उसको चेंज कर रहे। मैंने अभी बोला आपको हर रोज 3-3 एप्पल्स खाने, तो भाई कितना टाइम लगेगा, अभी 3-3 हर रोज एप्पल्स खाने, टोटल एप्पल्स 30 है तो ऑफकोर्स 10, यानी तुम्हारा अभी क्या हो गया टाइम जो है ना वो तुम्हारा 10 days हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, इफिशियंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो टाइम क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ता है तो तुम्हारा टाइम कम होता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा खाओगे तो कम दिन में खाना खत्म हो जाएगा ना, इतना सिंपल सी बात है। यानी तुम्हारा इफिशियंसी और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही बात मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने उसको एकदम बेसिक से कंसेप्ट से मैंने बताया, इफिशियंसी और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफिशियंसी और टाइम, तो सिंपल सी बात है उसमें क्या हो जाता है, फिर इफिशियंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी देखो अभी मैं बताता हूं एकदम बेसिक से, देखो क्वेश्चन क्या है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, इसको अच्छे से लिख लो और अभी याद रखना, टाइम एंड वर्क चैप्टर में इफिशियंसी और टाइम हमेशा वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। एक्चुअली हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, सिर्फ टाइम एंड वर्क चैप्टर में इतना ही रहता, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपने अभी अच्छे से लिख लिया होगा। अभी देखो क्वेश्चन देखो कितना कितना मतलब इजी है, यहां पे क्या बोला है उन्होंने, ए इज थ्राइस इफिशियंट एज बी, लिख लो फिर ए और बी, इसका इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है। क्यों? क्योंकि ए इज थ्राइस एज इफिशियंट एज बी, यानी ए का इफिशियंसी 3 गुना है बी से, तो रेशियो कितना हो गया 3:1। उसके बाद उन्होंने बोला है A takes 20 days to do a job, then in how many days B take? सिंपल सी बात है। Efficiency और time क्या था अपना? Inversely proportional था ना? तो जब भी दो चीजें inversely proportional होती है ना, तो उनका ratio क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे efficiency का ratio 3:1 है ना, तो time का ratio क्या होगा? 1:3। ये रेशियो याद रखो, रेशियो टाइम का रेशियो क्या हो गया 1:3, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से इफिशियंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का तुम्हारा रेशियो कितना हो गया 1:3। अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अभी उन्होंने बोला है कि ए 20 डेज में काम कर रहा है, तो बी कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा ट्रेडिशनल बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर तुम्हें एग्जाम में क्या करना है वो मैं बताता हूं। देखो टाइम 1:3 ये तो रेशियो है, ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं, ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या करते हैं निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी हम पहले क्या देखेंगे, टाइम a का टाइम x डेज है, तो b का टाइम कितना हो गया 3x डेज, a का टाइम 1 है, 1 यानी x डेज है, b का टाइम 3 है, 3 यानी 3x डेज है। उन्होंने ये बोला है कि जो तुम्हारे x है ना x डेज, इसकी वैल्यू 20 है, यानी x तुम्हारा 20 है। ठीक है, x तुम्हारा 20 है, मुझे बताओ यदि x यदि तुम्हारा 20 है, x यदि तुम्हारा 20 है, तो 3x कितना रहेगा, सिंपल सी बात है ना, कितना रहेगा 3:20 यानी 60 डेज है ना। यानी तुम्हारा b को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज टाइम लगेगा। इतना इजी तो है ये भाई, है ना, तो आंसर आ गया तुम्हारा 60 डेज आंसर है, तुम्हारा आंसर आ गया 60 डेज। लेकिन अभी एग्जाम में 103 से ये कुछ नहीं करना, ठीक है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया। अभी एग्जाम में देखो कैसे करना है, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, है ना, क्योंकि हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा हो जो अपने यहाँ पे यूट्यूब से पढ़ेगा, कोई भी बच्चा हो उसको 190 प्लस स्कोर मिलना चाहिए टायर 2 में, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे और टायर 1 में 50/50। देखो अभी उन्होंने क्या बोला था, ए को कितना टाइम लगता है 20 डेज, यानी और अपने रेशियो के हिसाब से ए को कितना लग रहा है 1, बी को कितना लग रहा है 3, लेकिन ये रेशियो है, यानी 1 का वैल्यू भाई तुम्हारा है 20, क्योंकि ए को लग रहा है 20 डेज, यानी 1 का वैल्यू 20 है, तो सिंपल सी बात है 3 का वैल्यू कितना रहेगा, कितना रहेगा, ए का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू कितना रहेगा 60 ना, कॉमन मल्टीप्लीकेशन है 20 × 3 = 60, कोई भी बच्चा बता देगा एकदम ईजी है ना। तो आ गया आंसर, एक स्टेप में आंसर है ना। एग्जाम में तो तुम लेके इसको लेकर 10 या 15 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड में कर लोगे, है ना, क्वेश्चन तुमने रीड करना है ना, उस रीड करने के बाद का जो टाइम रहेगा ना 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, 15 भी ज्यादा हो गया, जितना प्रैक्टिस हो जाता ना तो तुम ऐसी ओरली कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप इसको ओरली भी करने लगोगे, क्योंकि मैं अभी एग्जाम में जो कल अपना एग्जाम होगा टेलीग्राम पे उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन दूंगा ना, तो मैक्सिमम बच्चे इसको ओरली कर देंगे अभी। ठीक है, तो और नोट्स, ठीक है, जो नोट्स बनाएगा उसी को 190 प्लस और 50/50 मार्क्स मिलेगा। नोट्स देखो, नोट्स आपको बहुत आगे लेके जाने वाले, ये तो आप हमेशा याद रखो, है ना। देखो अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9, सेम ही है, थोड़ा सा सेम ही कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा भी
ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें हर एक टाइप कंप्लीट करना है यहाँ पे. ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी. ठीक है, यहाँ पे 60 डेज लेस देन बी है. फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली. मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. क्या है, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी सेम है, ए तीन गुना एफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख लेते सेम है चीजें, है ना. A is thrice as efficient as B. या तो सेम ही चीजें है ना. उसके बाद उन्होंने बोला है तो फिर हम आगे का भी कर लेते ना. A is thrice as efficient as B. तो टाइम का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो 1:3. ये तो पता है अपने को, है ना. देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन B. A तीन गुना एफिशियंट है B से, इसी वजह से A क्या करता है 60 दिन कम लेता है इस काम को कंप्लीट करने के. A B से 60 दिन कम लेता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है. उसके बाद उन्होंने आगे पूछा है कि तो फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, यानी ए और बी अकेला काम करे तो कितने दिन में कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी. देखो टाइम का रेशियो क्या है 1:3, यानी ये तो रेशियो है. यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ए को कितना लगेगा एक्स डेज लगेगा, तो बी को तुम्हारा कितना लगेगा 3x डेज लगेगा. ए को एक्स डेज लगेगा तो बी को तुम्हारे 3x डेज लगेगा. तो भाई मुझे बताओ अभी उन्होंने क्या बोला है, ए को 60 दिन कम लगते हैं, ए को कितना दिन कम लगते हैं, ए को 60 डेज कम लगते हैं बी से. तो देखो यानी 3x बी को लगते हैं, ए को x लगते हैं, यानी ये दोनों डेज का डिफरेंस जो है ना वो 60 है, यानी 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा 60 है. 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, तो सिंपल सी बात है 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 तो क्या है 2x 60 है. x कितना है, x क्या आ गया तुम्हारा 30 डेज आ गया, x से यहाँ पे 30 डेज है. ठीक है, x 30 डेज है तो x यदि 30 है तो 3x कितना आ गया 3 × 30 यानी 90 डेज. यानी x क्या है तुम्हारा, x क्या है a कितने दिन में काम कर रहा है, यानी a 30 डेज में काम कर रहा है, a 30 डेज में काम कर रहा है, तो तुम्हारा b 3x यानी 90 डेज में काम करेगा. आ गया आंसर, कितना इजी है ना एकदम. सिर्फ ये एक कंसेप्ट याद रखना, इफिशियंसी और टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाता है. वो क्यों हो जाता है ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज का मैं रीजन बताऊंगा. इसकी वजह से आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बाकी बच्चों से आप बहुत आगे रहो. ठीक है, तो एकदम अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो बढ़िया वे से. ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है ना. ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी. सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना, अब तक सेम ही चीज है. इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टूगेदर. कुछ नहीं, लास्ट वाला लाइन चेंज हो गया, लेकिन वो भी बहुत इजी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए. अभी बताता हूं, प्रूफ करता हूं हर एक चीज. ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 2:1 है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर भाई एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो गया उल्टा कर दो ना 1:2. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन बी. ठीक है, हाँ तो देखो उन्होंने ये बोला है कि ए दो गुना एफिशिएंट है बी से, इसकी वजह से वो 30 दिन कम लेता है, 30 दिन कम लेता है बी से काम करने के लिए. तो देखो सिंपल सी बात है 1:2 रेशियो 1:2 है ना, तो इसको एक्स और टू एक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना. मैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं एक्स से बताता हूँ फिर भी डायरेक्ट भी करता हूँ. यानी ए को यदि एक्स डेज लगेगा तो बी को कितने डेज लगेंगे 2x, क्योंकि ये रेशियो है. अब ये ओरिजिनल हो गया, ए को एक्स डेज बी को 2x, दोनों का टाइम का यानी दोनों का डेज का डिफरेंस जो है ना वो 30 डेज है. यानी 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना तुम्हारा 30 डेज है. 2x माइनस एक्स यानी x इज इक्वल टू कितना है 30 डेज है. यानी ये x कितना हो गया 30 डेज. यानी a को कितना लगेगा x डेज, यानी a को कितना लगेगा 30 डेज लगेगा. b को कितना लगेगा 2x डेज, यानी x पुट करो यहां पे 2 × 30 यानी 60 डेज हो गया ना भाई. यानी a को लगेगा 30 डेज, b को लगेगा 60 डेज, हो गया ना.
अभी लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि दोनों मिलके यदि काम करेंगे, दोनों मिलके यदि काम करेंगे तो उस काम को वो कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है तुम्हारा आगे वाला, है ना। तो अभी कर लेंगे, यहां तक आपने लिख लिया होगा अच्छे से, है ना। इसको मैं अभी रब करता हूं और आगे का मैं यहां पे पढ़ाता हूं। ठीक है, इतना देखो इजी है। देखो अभी ये तो आपको पता ही है, ए ने 30 दिन में कर दिया, बी ने 60 दिन में कर दिया, एक काम को कर दिया, एक काम कितना है पता नहीं, उसको कर लिया आपने एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम आपको पता है 60 है, ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। 60 एप्पल्स खाने हैं, ए 30 डेज में 60 एप्पल्स खाता था, हर रोज कितना खाता है 2, ये क्या हो गया ए का एफिशिएंसी। बी 60 एप्पल्स खाना है, खाता है 60 डेज में, यदि खत्म करना है हर रोज कितना खाएगा 1, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया तुम्हारा 1, है ना। ये चीजें अभी मैं फास्ट करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। अभी दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल्स खाते हैं, 3 एप्पल्स खाते हैं, तो तुम्हारा दोनों मिला के कितने डेज में 60 एप्पल्स खा लेंगे। यदि वो हर रोज 3 एप्पल्स खाते हैं, टोटल 60 एप्पल्स है, तो ऑफकोर्स वो कितने 20 डेज में पूरे के पूरे एप्पल्स खत्म कर देंगे। यानी यही टोटल डेज का फॉर्मूला होता है ना, टोटल वर्क। वैसे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 60, टोटल इफिशियंसी कितना है 3, यानी कितना 20 डेज आ गया तुम्हारा आंसर, है ना। 20 डेज तुम्हारा आंसर है, तो ये और भी दोनों मिला के 20 डेज में खत्म कर देंगे। कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो फिर अभी तुम्हारा एक 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, अभी 11 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और यदि हो सके ना क्वेश्चन ट्राई करा करो पहले, यदि हो सके तो, और मैं तो उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, मैं एक बार अभी वीडियो भी देखता हूं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखो 11 नंबर का। ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टूगेदर। कितना इजी है देखो, सिर्फ देखो पहले क्या था, नंबर थे ना, ए ने 10 दिन में कर लिया, बी ने 15 दिन में कर लिया। अभी नंबर की जगह पे क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, एक्स और वाई आ गया, तो उससे डरने की क्या बात है। ए क्या करता है, एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, बी क्या करता है उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। अभी एक्स और वाई का आपको ये लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि भाई इसका एलसीएम कैसे निकाले, सिंपल सी बात है, मैं आपको प्रूव करता हूं। देखो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जो कॉमन नहीं होता उसका एलसीएम कैसे होता है, जैसे 2 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, हमारा एलसीएम का मेथड तो आपने को पता ही है क्या है, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, फिर जो बचेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। कॉमन कुछ भी नहीं है तो बाहर कुछ भी नहीं निकाल सकता, तो बचा क्या 2 और 5, फिर 2 × 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो तुम्हारा 10 एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 का। सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा, तो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम का आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल वर्क एक्स एन एक्स वाई। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल वर्क भी हो गया। देखो अभी तुम्हारा टोटल एक्स वाई तुम्हारे एप्पल से एक्स डेज में खत्म करने कितने दिन लगेंगे, कितना फिर तुम्हारी इफिशियंसी रहेगा। देखो इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क बाय टोटल डेज, है ना, टोटल डेज ये तुम्हारा फॉर्मूला है। टोटल वर्क कितना तुम्हारा एक्स वाई अपन तुम्हारा टोटल डेज कितना एक्स 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 कट यानी वाई, तुम्हारा क्या हो गया इफिशियंसी, यानी ए का इफिशियंसी कितना हुआ तुम्हारा वाई। सिमिलरली बी एक्स वाई एप्पल है वाई डेज में खत्म करना है, यानी बी का इफिशियंसी कितना हो गया एक्स, है ना, एक्स वाई बाय वाई करोगे वाई वाई कट हो जाएगा एक्स बचेगा। ठीक है, अभी उन्होंने ये बोला है कि भाई कि ये टोटल एप्पल्स जो है एक्स वाई इसको यदि एक्स और वाई ए और बी दोनों मिला के यदि खाएंगे तो कितने दिन में खाएंगे, सिंपल सी बात है दोनों मिला के खाने, यानी दोनों मिला के हर रोज कितना खाएंगे एक्स प्लस वाई एप्पल्स खाएंगे ना। तो देखो फिर से टोटल डेज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, वैसे टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है तुम्हारा एक्स वाई, टोटल इफिशियंसी कितना है एक्स प्लस वाई, तो आ गया तुम्हारा, है ना। यानी ए और बी को इसी काम को करने के लिए एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई डेज लगेंगे, इतना आसान है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड इतना बढ़ाऊंगा कि तुम्हें समझ में भी आ जाए और एकदम बढ़िया से सब कुछ हो जाए, है ना। रवि हर रोज क्लास आएगी, तुम्हारा ऐसे रिस्पॉन्स रहेगा ना कमेंट बॉक्स में, है ना, तुमने लाइक किया शेयर किया ना अच्छे से, तो हर रोज बिल्कुल क्लास आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चीजें करनी है ना।
बढ़िया तरीके से हम प्रिपरेशन कर देंगे। देखो क्वेश्चन 12th नंबर का क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज बी ऑल्सो ज्वाइंट ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। देखो क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, ए जो है ना, ए ने क्या किया है 12 दिन में एक काम को खत्म किया और बी ने उसी काम को 15 दिन में खत्म कर लिया। तो पहले तो इतना करते हैं, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूं। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। ए ने एक काम को 12 दिन में, बी ने उसी काम को 15 दिन में खत्म कर लिया है, यही है ना। हाँ ठीक है, तो पहले तो देखो, पहले जो जो हमारा होता है ना वो हम कर लेते, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आगे वाला, टेंशन मत लो। 12 15 तो कितना काम किया पता नहीं है, तो टोटल तुम्हें काम तो निकालना पड़ेगा है ना। तो करो एलसीएम, 12 15 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, ये तुम्हारा टोटल। यदि पता नहीं कैसे एलसीएम निकाला तो 15 का टेबल करके कर सकते हो, नहीं तो अपने पास मेथड है 12 15। क्या है इसमें कॉमन, 3 कॉमन है, तो कितना बचा, 3 कॉमन निकाला मैंने इस दोनों में से, तो 3 4 12 है ना, तो 3 5 15। तो कर लो सबका मल्टीप्लीकेशन, 3 × 4 × 5 यानी कितना होगा, 4 × 5 20 20 × 3 60 आ गया तुम्हारा टोटल है ना। देखो 60 एप्पल से ए हर रोज 12 एप्पल खा रहा है, तो कितना इफिशियंसी इसका 5। बी 60 एप्पल से हर रोज 15 15 एप्पल खा रहा है, तो इफिशियंसी कितना 4। ठीक है, अभी ये तो चीजें आपको पता, इसलिए मैं फास्ट बताऊंगा है ना, तो इसीलिए पहला वीडियो जरूर देखना तभी यहाँ पे आना अगला वीडियो है ना। अभी देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन अपने समझ लो अच्छे से। आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज बी also joined A to finish the remaining work। यानी उसने ये बोला है कि तीन दिन के लिए A अकेला काम करेगा और 3 दिन के बाद B काम करने लगेगा। यानी पहले 3 दिन जो है ना उसमें A अकेला काम कर रहा है और फिर 3 दिन होने के बाद B भी A को join कर रहा है। join कर रहा है यानी A भी काम करेगा और B भी काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब रिमेनिंग वर्क जो है ना वो दोनों मिलके कर रहे, लेकिन पहले दिन का काम ए अकेला कर रहा है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट क्या है बताओ मुझे, ए अकेला हर रोज 5 5 एप्पल्स खाता है, तो 3 दिन अकेला खाएगा, तो 3 दिन में कितने एप्पल्स खाएगा, 3 × 5 15 ना, 15 है ना। तो फर्स्ट 3 डेज भाई, 3 डेज में तुम्हारे 15 हो गए, ए अकेला काम कर रहा है। आफ्टर 3 डेज ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। देखो टोटल कितने 60 एप्पल्स है, उसमें से 15 एप्पल तो ए ने खा दिए भाई, बचे कितने 60 में से 15 माइनस कर लो है ना, 16 में से 15 माइनस कर लो यानी भाई 45 एप्पल्स बचे। रिमेनिंग वर्क कितना है, 45 एप्पल्स है तुम्हारा रिमेनिंग वर्क है। अभी उसने ये बोला है कि जो भी रिमेनिंग तुम्हारा वर्क है ना, रिमेनिंग जो भी तुम्हारे एप्पल्स है ना, उसको दोनों मिला के कितने दिन में कंप्लीट करने वाले। तो भाई सिंपल सी बात है, 45 एप्पल्स है, ए और बी दोनों मिला के कंप्लीट करने वाले। ए एक दिन में करता है 5 एप्पल्स खाता है, बी एक दिन में 4 एप्पल्स खाता है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल्स खाएंगे, 9 एप्पल्स खाएंगे। तो ऑफकोर्स 45 एप्पल्स है टोटल, हर रोज 9 9 एप्पल्स खा रहे तो कितने दिन में खत्म होगा, 45 × 9 5 है ना, ये तो कॉमन सेंस है। फिर भी मैं बताता हूँ, देखो 45 ये रिमेनिंग वर्क है, तो तुम्हारा डेज का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क क्या है तुम्हारा, मतलब जो बचा हुआ है, क्योंकि हमें रिमेनिंग डेज पूछे ना इसलिए, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 45, उसका इफिशियंसी कितना चलेगा 9, यानी 45 × 9 यानी 5 डेज। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है उन्होंने क्या पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, तो रिमेनिंग वर्क तुम्हारा 5 डेज में कंप्लीट होगा। यदि उन्होंने ये पूछा होता कि टोटल काम करने के लिए टोटल कितने डेज लग रहे, तो देखो रिमेनिंग वर्क करने के लिए 5 डेज लगे और पहले तो तुम्हारे 3 डेज तो चले गए है ना, तो 3 + 5 8 डेज तक आसर रहता था। यदि उन्होंने पूछा होता कि टोटल काम करने के लिए फिर कितने दिन लगे, तो टोटल काम करने के लिए 8 डेज लगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा कि रिमेनिंग वर्क करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो रिमेनिंग वर्क करने के लिए तुम्हारे 5 डेज लगेंगे है ना। एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कितना एक आसान क्वेश्चन था है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा होगा, और देखो यार जो बच्चे बोलते हैं ना कि हिंदी में भी क्वेश्चन नहीं करो, देखो यार मैं हिंदी में एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं ना, और यार सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या है, सब एडिटिंग सब मुझे ही करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। हम करेंगे हिंदी में भी क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन कुछ दिन रुको है ना, कुछ दिन के बाद नहीं कि हम हिंदी में भी करेंगे, ठीक है।
टेंशन मत लो, है ना, तब तक तुम ये एक्सप्लेन हिंदी में कर ही रहा हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, बी अलोन इन 12 डेज, स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, है ना, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ए क्या कर रहा है, देखो पहले जो जो हमें पता है ना चीजें वो कर लेते हैं, है ना। देखो ए अकेला एक काम को, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, ठीक है, उसके बाद क्या है, बी अलोन इन 12 डेज, है ना, फिर स्टार्टिंग विद ए वगैरह, ये जो चीजें ये मैं बाद में आपको अभी बताता हूं, पहले हमें जितना पता है हम उस पर फोकस करते हैं। ए अकेला इस एक काम को 16 डेज में करता है, बी अकेला एक काम को 12 डेज में करता है, तो सिंपल सी बात है कितना काम है हमें पता नहीं, तो हमें तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। टोटल वर्क कैसे आता है, एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है 48, यदि नहीं पता तो कर लो, 16 इसमें क्या कॉमन है 4, 4, 4 16, 4, 3 12, 4 3, 12, 12 4, 48, टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा 48, 48 एप्पल से 16 डेज में एक को खत्म करना था, रोज कितना खाएगा 33 एप्पल्स खाएगा, ये इसका क्या हो गया एफिशिएंसी, ठीक है, 48 एप्पल से ये हर रोज 12 बार एप्पल्स खाएगा तो कितना एप्पल्स खत्म करेगा 4 एप्पल्स खत्म करेगा, बी का एफिशिएंसी हो गया 4। यहां तक हमें सब कुछ आता है, ये मैं रब करता हूं। अभी यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उन्होंने ये बोला कि वो अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, है ना, अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे और सबसे पहला दिन जो होगा ना वो ए करेगा। अल्टरनेट डेज काम करना यानी क्या होता है, यानी एक दिन ए एप्पल खाएगा, जैसे देखो फर्स्ट, यदि फर्स्ट जनवरी से यदि स्टार्ट कर रहे हैं खाना खाना, है ना, तो फर्स्ट जनवरी को ए एप्पल खाएगा, सेकेंड जनवरी को कौन एप्पल खाएगा, बी एप्पल खाएगा, फिर से थर्ड जनवरी को ए एप्पल खाएगा, फिर फोर्थ जनवरी को बी एप्पल खाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे अल्टरनेट डेज में वो एप्पल खा रहे हैं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो क्या करना, ए बी, पहले ए खाएगा फिर बी खाएगा, फिर से ए खाएगा फिर से बी खाएगा, फिर से ए खाएगा फिर से बी खाएगा, है ना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है हमें, ये तो समझाने के लिए बताओ। ए कितना खाता है हर रोज, 3 एप्पल खाएगा, बी फिर आके 4 एप्पल खा लेगा, फिर ए आएगा 3 एप्पल खा लेगा, फिर बी आएगा 4 एप्पल खा लेगा, फिर ए आएगा 3 एप्पल खा लेगा, फिर बी आएगा 4 एप्पल खा लेगा, ऐसे वो चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो देखो यानी 1, 2, 3 तारीख ऐसे, है ना, 4, 5, 6, ठीक, यानी पहले दो दिन जो है ना वहां पे कितने एप्पल खाए, 7 एप्पल खत्म हो गए, पहले दो दिन में 7 एप्पल खत्म हो गए, अगले दो दिन, ये अगले दो दिन है ना वहां पे भी 7 एप्पल खत्म हो गए, 7 एप्पल्स खत्म हो रहे, तो हर दो दिन में 7-7 एप्पल्स खत्म हो रहे, इतना तो आपको पता चल गया, एक ग्रुप बन रहा है 7-7 एप्पल्स का, एक ग्रुप बन रहा है जो कि दो दिन का है, एक ग्रुप यानी 2 डेज होते हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो क्या करना, 7 का टेबल करना, है ना, 7 का टेबल वहां तक लेके जाना, यानी ये जो एप्पल्स का जो टेबल है ना, दो दो दिन में जितने एप्पल्स हो रहे उसका टेबल वहां तक लेके जाना, जो टोटल वर्क है ना उसके थोड़ा सा पहले तक, टोटल वर्क के ऊपर नहीं जाना, जैसे देखो 7 तुमने कर देना, 7, 6, 42, 7, 7, 49, तो 49 तो 48 के ऊपर चला गया, तो 7, 7 नहीं लेना, 7, 6 लेना, 7, 6 कितना हो गया 42, ठीक है, 7, 6, 42, यानी हमें 7, 6, 42, यानी ये क्या हो गया, ये क्या है, 6 क्या है, ग्रुप्स, यानी हमने 7-7 एप्पल्स के यदि 6 ग्रुप बना लिए ना तो 42 एप्पल्स खत्म हो गए। देखो भाई टोटल कितने एप्पल थे, 48 थे, उसमें से तुम्हारे 42 एप्पल्स खत्म हो गए, यानी रिमेनिंग कितने बचे, 48 - 42 यानी 6 एप्पल्स, ये यहाँ पे दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन नहीं भी दिख रहा होगा तो 48 - 42 = 6 एप्पल्स यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे 42 एप्पल्स खत्म हो गए 6 ग्रुप्स में और तुम्हारे 6 एप्पल्स बचे, और एक ग्रुप कितने दिन का होता है तुम्हारा, 2 दिन का होता है ना, तो वन ग्रुप 2 दिन का होता है, यानी 6 ग्रुप्स कितने दिन के हो गए, 6 ग्रुप्स इज इक्वल टू 12 डेज, है ना, एक ग्रुप 2 दिन का हो गया तो 6 ग्रुप्स तुम्हारे कितने हो गए, 12 डेज के हो गए, यानी 12 दिन खत्म हो गए, 12 दिन के बाद तुम्हारे 42 एप्पल्स खा लिए और अभी 6 एप्पल्स बचे। देखो तुम्हारा जो ये जो होता है ऑड नंबर जो होगा वहां पे ए एप्पल खा रहा है, और जो तुम्हारा इवन नंबर है ना वहां पे कौन खा रहा है, बी एप्पल खा रहा है। देखो ऑड नंबर आ गया ए ने एप्पल खाया, इवन नंबर आ गया बी ने एप्पल खाया, यानी 12 डेज यानी 12th यानी 12वां जो दिन है वहां पे कौन है,
इवन नंबर है ना, तो 12वें दिन में बी एप्पल खाएगा, फिर आएगा 13th डे यानी 13वां दिन, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है यानी विषम नंबर है ना, तो 13th नंबर पे या 13th डे पे कौन एप्पल खाएगा, ए एप्पल खाएगा है ना, फिर 14th डे पे फिर से बी एप्पल खाएगा, तो देखो 13th डे तुम्हारा आ गया, ए एप्पल खाता है हर रोज तीन एप्पल खाता है, तो पूरा 13वां दिन जो रहेगा ना ए अकेला एप्पल खाएगा, ए अकेला एप्पल खाएगा ना, तो उस पूरे दिन में 3 एप्पल खा लेगा, यानी तुम्हारे 6 एप्पल्स बचे थे उसमें से ए ने क्या कर लिया, 3 एप्पल्स खा लिए। देखो यहाँ पे ये 6 एप्पल्स है जो बचे हुए, उसके नीचे मैंने लिख लिया 6 - 3 = 3 एप्पल्स, 6 एप्पल्स बचे हुए थे उसमें से ए ने 3 एप्पल्स खा लिया, तो तुम्हारे 3 एप्पल्स बचा भी है ना, तो 3 एप्पल्स बचे और तुम्हारा 13 डे भी कंप्लीट हो गया। अभी तक कितना था, 12 डेज, अभी तुम्हारा 13 डेज कंप्लीट हो गया, 13 डेज तक आपने 45 एप्पल्स खत्म कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी 42 एप्पल्स और ए वाले ने 3 एप्पल्स खा लिए, तो 45 एप्पल्स खत्म हो गए, 48 एप्पल्स थे, 45 एप्पल्स खत्म हो गए, तुम्हारे रिमेनिंग कितने, 3 एप्पल्स बचे, और फिर 14th डे यानी 14वें दिन में कौन आएगा, बी आएगा, 13 डेज कंप्लीट, अभी 14th डे तुम्हारा चल रहा है, 14वें दिन में यानी 14th डे पे कौन आएगा, बी आएगा, लेकिन एप्पल्स कितने बचे, 3 ही तो बचे, और बी कितना खाता है एक दिन में, 4 खाता है, तो उसको पूरा डे थोड़ी ना लगेगा 3 एप्पल खाने के लिए, उसको पूरा दिन नहीं लगेगा ना, वो भाई एक दिन 4 एप्पल खाता है, वो जो बी है ना वो एक दिन में 4 एप्पल खाता है, उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो रिमेनिंग एप्पल्स कितने, यानी रिमेनिंग वर्क क्या है तुम्हारा, 3 है, उसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो तुम्हें तो फॉर्मूला पता ही है वैसे, टोटल डेज का फॉर्मूला कितना कितना होता है, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, तो ये रिमेनिंग वर्क कितना है, 3 है ना, एफिशिएंसी कितना है, 4 है, यानी 3/4 डेज में बी 3 एप्पल्स खा लेगा, तो ऑलरेडी कितना है, 13 डेज तो कंप्लीट हो गया ना, ऑलरेडी 13 दिन खत्म हो गए, उसके बाद 3/4 डेज में यानी एक्स्ट्रा 3/4 डेज लगेंगे और पूरे के पूरे एप्पल खत्म, यानी 13 + 3/4 डेज यानी 13 3/4 डेज में आपके पूरे के पूरे एप्पल्स खत्म, ये आंसर हो गया, 13 3/4 डेज में आपके पूरे के पूरे एप्पल्स खत्म हो गए, तो ये फाइनल आंसर है 13 3/4 डेज है ना, 13 + 3/4 यानी 13 3/4 होता है, ये आपको पता भी होगा वैसे है ना, तो ऐसे एकदम इजी वे से हम सब क्वेश्चन कर लेंगे। देखो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना होता है ना, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको शायद पहले लग रहे होंगे, लेकिन अभी आपको पता चल गया ना कितना इजी है, ठीक है, कंसेप्ट ही होता है ना, नोट्स तो तुम बना ही रहे होंगे है ना, मैं बार बार बोलूंगा आपको नोट्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई है ना, तो एकदम अच्छे से अभी हम थोड़ा निकट बड़ा भी करेंगे, टाइम भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे वीडियो का थोड़े दिन के बाद, अभी देखो 14th नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ए डज 4/5 ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। देखो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूं, देखो 4/5 वर्क आ गया है ना, तो इसे डरना नहीं, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बोलना कि अभी फ्रैक्शन में आ गया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट आप समझ लो, यदि ये कंसेप्ट समझ में आता है ना तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो 4/5 वर्क ए अकेला क्या कर रहा है, 4/5 वर्क तो कर रहा है ना, कितने दिन में, 20 डेज में, तो यहाँ पे 4/5 वर्क है ना, यानी वर्क को आपने फ्रैक्शन में लिया है, तो पूरा वर्क कितना होता है इस समय, 1 होता है, ठीक है, ए ने 4/5 वर्क कितना लिया 20 डेज में, तो पूरा यानी कंप्लीट वर्क कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 यानी 1 रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको यदि ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यदि वर्क फ्रैक्शन में दिया होगा तो टोटल वर्क कितना लेते हैं आप, 1। अभी देखो ए ने 4/5 वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर लिया, ए ने 4/5 वर्क को कंप्लीट 20 डेज में कंप्लीट कर लिया, हमने अब तक कैसे क्वेश्चन पढ़े, ए ने एक काम को यानी एक पूरे काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, हमें तो एक कंप्लीट वर्क का प्रैक्टिस है ना, तो पहले देख लेते हैं, यदि ए 4/5 वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है तो वो पूरे वर्क को कितने डेज में कंप्लीट हो गया, और पूरा वर्क कितना है तुम्हारा, 1, यानी
4/5 वर्क को ए 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो वन वर्क को वो कितने डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। और ये एक जो चीज है ना, 4/5 को 20, तो वन को कितना, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो मैं बता दूंगा। वैसे आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा ना तो मैं डिटेल से बता दूंगा। देखो ये वन क्या होता है, इधर जाता है, क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। ये 4/5 का नीचे आता है, मतलब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 4/5। इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। 4/5 देखो, ये इधर डिवाइडेड बाय 5 है ना नीचे, ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइडेड है ना तो ऊपर जाके वो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है ना, नीचे डिवाइडेड तो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन करेगा, है ना। यानी क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा लेते हैं, 20 × 1/4, ये 5 डिवाइड का ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन इंटू 5। हाँ, यानी तुम्हारा टोटल वन वर्क करने के लिए 20 × 1 × 5/4 टेस्ट लगेंगे। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने पता है, 20 × 5 करते हैं, 100 × 4 करते हैं 25। देखो ये भी क्वेश्चन, ये भी इक्वेशन आसानी है, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ जितना आप कर दो ना एकदम बेसिक लेवल पे, मतलब जितना आप इजी कर सको ना कैलकुलेशन को, उतना इजी करना है, ठीक है। कुछ देखो, अभी 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, देन 5 × 1 × 5 करना, क्या मल्टीप्लीकेशन, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। यानी सिंपल सी बात है, ए को एक काम करने के लिए 25 डेज लग रहे, यानी ए को पूरा काम करने के लिए कितने डेज लग रहे, 25 डेज लग रहे, तो हो गया तुम्हारा, है ना। अभी भी इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, अभी इसको आप क्या करो, नोटबुक में लिख लिया होगा, मैं अभी इसको मिटाता हूं। अभी ये जितनी भी चीज लिखी है ना, इसको मैं एक लाइन में लिख लेता हूं यहाँ पे अभी, है ना। ए एक काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सिंपल सी बात है। अभी देखो, उन्होंने ये बोला था कि जो रिमेनिंग वर्क है, मतलब 4/5 वर्क कंप्लीट हो गया, जो रिमेनिंग वर्क है वो ए और बी दोनों तुम्हारे मिला के कितने, 3 डेज में कंप्लीट कर रहे, ए और बी दोनों मिला के 3 डेज में कंप्लीट कर रहे, लेकिन कौन सा वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो भाई देखो, 4/5 वर्क तो ए ने अकेले ने कंप्लीट कर लिया, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालना है, टोटल वर्क में से जितना वर्क कंप्लीट हो गया यदि तुमने माइनस कर दिया तो तुम्हारा रिमेनिंग वर्क बचेगा। टोटल वर्क कितना होता है, मैंने अभी बोला ना, जब भी वर्क फ्रैक्शन में दिया होगा टोटल वर्क को कितना, 1 मानना, यानी 1 − 4/5 = जो रहेगा ना, ये रहेगा तुम्हारा रिमेनिंग वर्क, ये तुम्हारा हो गया रिमेनिंग वर्क, यानी 1 − 4/5 = तुम्हारा रिमेनिंग वर्क। अभी करो, 5 × 1 = 5 − 4/5 कितना, 1 / 5, यानी रिमेनिंग वर्क तुम्हारा कितना है, 1/5, ये तुम्हारा रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। इतना यदि समझ में आ गया होगा तो अभी हम आगे चलते हैं, ये लिख लिया होगा आपने, है ना। तो देखो अभी तुम्हारा जो रिमेनिंग वर्क है, यानी तुम्हारा जो 1/5 वर्क है, वो ए और बी दोनों मिला के, ए और बी दोनों मिला के तुम्हारे 3 डेज में खत्म कर रहे, तो जो पहले किया था क्वेश्चन में वही अभी करना है। 1/5 वर्क यदि तुम्हारा 3 डेज में खत्म हो रहा है, ए और बी दोनों मिला के 1/5 वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे, तो ए और बी दोनों एक कंप्लीट काम करने के लिए कितने डेज लगेंगे, सिंपल सी बात है ना, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 को उधर लेके जाओ, ये 1/5 को नीचे लेके आओ, जो पहले किया था ना वही, है ना। ये एक स्टेप में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इतनी तो जरूरत नहीं आपको, है ना। वन नीचे जैसे ए डिवाइडेड 5, इधर डिवाइडेड 5 ना, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो इंटू 5, तो कर दो क्या क्वेश्चन, 3 × 1 × 5 कितना होता है, 15 डेज। यानी जो जो भी कैलकुलेशन है, ये जो भी आपने अभी लिखा होगा, इसका कहने का यही मतलब है, ए और बी एक कंप्लीट काम को, पूरे काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देगा, है ना। तो अभी मैं इसको मिटाता हूं, यानी ए और बी दोनों मिला के एक काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे, है ना। सॉरी, ए और बी एक काम को दोनों मिला के 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। देखो, ए एक काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है, ए और बी दोनों मिला के उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, और उन्होंने पूछा है फिर बी अकेला उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, ये तो हमने बहुत सॉल्व किए, तो कर लो एलसीएम,
कितना है टोटल वर्क पता नहीं, टोटल वर्क पता करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है 75। अभी एलसीएम तो आपको आता ही होगा, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो 75 एप्पल से ए हर रोज 25 एप्पल खाता है, तो इफिशियंसी कितना हो गया 3 हो गया ना। और 75 एप्पल से ए और बी दोनों मिला के 15 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो हर रोज कितना करेंगे, हर रोज 5-5 करेंगे। तो देखो ए अकेला हर रोज 3 एप्पल्स खा रहा है, ए और बी दोनों मिला के हर रोज 5-5 एप्पल्स खा रहे हैं, तो बी अकेला हर रोज कितना 2 एप्पल्स खा रहा है। बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो बी के पास 75 एप्पल्स से वो हर रोज 2-2 एप्पल्स खा रहा है, तो कितने दिन में खत्म करेगा पूरे के पूरे एप्पल्स 75/2। क्योंकि आपको पता है टोटल डेज इक्वल क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, फॉर्मूले की वजह से जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है ना। यानी 75/2 डेज में बी क्या कर रहा है, वो सारे के सारे एप्पल्स को खत्म कर रहा है 75/2 डेज। अभी देखो एग्जाम में 75/2 रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करके रखेगा। देखो 75/2 को कैसे सिंप्लीफाई करना है, 2 3 6 रिमेनिंग, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये कितना बन गया 15, 2 7 14 रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 37/1/2 डेज। ये फॉर्मेट में 37/1/2 डेज फॉर्मेट में रहेगा, नहीं तो 75/2 डेज फॉर्मेट में रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा आंसर टिक कर देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यदि आता है आपको तो ट्राई करके देखो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे है ना, बढ़िया तरीके से एकदम बेसिक से। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 men can do a piece of work in 5 days, how many men are needed to work to complete the work in 10 days। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से अभी अलग हो गए है ना, कि जैसे जैसे 8 men है वो एक काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, हर रोज इतने इतना आवर्स काम करते हैं, ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए एक सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला आ गया ना आपको समझ में तो खत्म बात, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, MDH/W। यदि देखो MDH/W एकदम आसान फॉर्मूला है, लेकिन यदि समझ में नहीं आता मैं लिख लेता हूँ आपके, है ना, MDH/W। ठीक है MDH/W यदि आपको याद, वैसे बहुत इजी याद रखने के लिए, लेकिन याद रखना ही है ना, तो देखो MDH पता है ना आपको, MDH मसाला होता है, बहुत एड चलता है MDH मसालों का है ना, तो देखो MDH मसाला से तो MDH याद रख गया है ना, और टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है तो वर्क तो नीचे रहेगा ही, तो MDH/W। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, यानी क्या क्या रहता है, दो कंडीशन रहती है, तो दोनों जगह पे ये फॉर्मूला यूज करना, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया MDH/W, सिर्फ यहाँ पे 1-1 कर दिया, यहाँ पे 2-2 कर दिया, तो दोनों कंडीशन रहेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगी, एक राइट हैंड साइड पर रहेगी, वहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर दो खत्म बात, एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या क्वेश्चन में, 8 men can do a piece of work in 5 days, यानी फर्स्ट कंडीशन में men कितने दिए हुए, m यानी क्या होते हैं, m यानी मेन्स होते हैं, यानी जितने भी men women जो भी ना, यानी जितने आदमी जो होते हैं ना वो होते हैं यम तुम्हारे, d होते तुम्हारे कितने डेज के लिए तुम काम कर रहे हो, ठीक है, h होते तुम कि एक दिन में तुम कितने आवर्स काम कर रहे हो, W होता है कि तुम कितना काम कर रहे हो, ठीक है, सेम चीज सेकंड कंडीशन में, कितने महीने कितने डेज काम कर रहे हैं, एक डे में कितने आवर्स काम कर रहे हैं, W यानी वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कितना कर रहे हैं। तो कंडीशन में जो देखो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ M और D दिया होगा, H और W नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो इसको निग्लेक्ट कर देना, ठीक है, नहीं तो M और H1 दिया होगा, D1 नहीं दिया होगा, मतलब जो भी नहीं दिया होगा उसको निग्लेक्ट कर दो, जो दिया है उसको फॉर्मूले में वहां पे पुट कर दो। देखो जैसे फर्स्ट क्या है, 8 men, यानी men की जगह पे कितना, 8 men can do a piece of work in 5 days है, how many men are needed to complete the work in 10 days। उन्होंने h1 यानी कितने एक दिन में कितने hours काम कर रहे वो नहीं बताया, कितना काम कर रहे वो नहीं बताया, तो इसको फिर neglect कर दो, सिर्फ 8 into 5 कर दो। सेकेंड क्या है कि कितने men लगेंगे सेम काम करने को, कितने men लगेंगे यदि वो काम 10 दिन में खत्म करना है, तो सेकंड कंडीशन में मेन दिया नहीं, मेन पूछा है तो लिख लो M2, डेज कितने तुम्हारे 10 दिन, आवर्स के बारे में बोला नहीं, वर्क कितना है वो भी नहीं बोला, तो सिंपल इतना सा सिंपल सा इक्वेशन है, क्या है कितना आसान है। देखो इसको सॉल्व करो तो 5 1 5 5 2 10 है ना, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, नहीं तो क्या है 5 को इधर डिवाइड के लेके जाना है, यानी 10/5 तो फिर 1 वही होगा 2, ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का,
फिर क्या, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, यानी तुम्हारा यम टू कितना होता है फोर, है ना। देखो यम टू है, यम टू सिर्फ मैंने साइड चेंज कर दिया, यम टू इधर आएगा फोर इधर आएगा, मैंने सिर्फ चेंज किया, यानी यम टू फोर, यानी फोर मिनट लगेंगे जो 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, फोर, फोर ए तुम्हारा आंसर हो गया। एकदम अच्छे से भी आपको पता चल गया होगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, सेम ही इसमें फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा एच डब्ल्यू दिया होगा ना, इसकी वजह से फिर और अपना कंसेप्ट और अच्छा अभी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, 20 men can prepare 40 toys in 24 days while working 18 hours a day. Then in how many days 36 men prepare 48 toys working 16 hours a day. Same formula है, MDH by W, दोनों कंडीशन दी हुई है, सिर्फ वहां पे पुट कर दो। अभी क्या क्या कैसे कैसे पुट करना है बताता हूं मैं, है ना। क्या फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपको पता ही है, एम वन डी वन एच वन बाय डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाय डब्ल्यू टू। देखो यम वन क्या तुम्हारा 20 मेन है, लिख लो 20 मेन कैन प्रिपेयर 40 टॉयज, 40 खिलौने बना रहे, 40 टॉयज बना रहे, यानी वो क्या हो गया वर्क है ना तुम्हारा, तो वर्क की जगह पे 40 टॉयज इन 24 डेज, 24 डेज डी वन एनी डेज, वर्किंग 18 आवर्स अ डे, यानी वर्क आवर्स की जगह पे 18 डाल दो। देन इन हाउ मेनी डेज 36 मेन, यानी यहां पे 36 है, 36 मेन प्रिपेयर 48 टॉयज, टॉयज यानी क्या तुम्हारे खिलौने, यानी तुम्हारे वर्क हो गए, है ना। उसके बाद वर्किंग 16 आवर्स अ डे, डेज पूछे तुम्हारा आवर्स ये कि वो हर रोज 16 आवर्स अ डे, यानी हर दिन में वो 16-16 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने ये पूछा डेज कितना है, ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन अभी क्या है, इतना सिंपल है, इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करना है। अभी देखो क्या करते हैं कुछ कुछ बच्चे, पता है 20 × 24 × 18 ये करके ये सॉल्व करते हैं, भाई नहीं, कैलकुलेशन बहुत आसान होते हैं, इतना भी डिफिकल्ट मत किया करो क्वेश्चन को, ठीक है। अभी देखो सिर्फ हम यहाँ पे कट कट करेंगे, है ना, तो कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो जाएगा, 21 जा 20, है ना, 22 जा 40, कितना आसान है। देन 21 जा 2, 29 जा 18, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं हम, देखो जैसे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, है ना, और क्या कर सकते हैं हम 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, और कुछ हम कट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं क्या, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे अभी पूरा का पूरा चला गया, सिर्फ 6 बचा है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा चला गया, सिर्फ यहाँ पे 3 बचा है ना। इतना यदि हो गया तो हो गया अपना, है ना। तो देखो अभी मैं लिखता हूं क्या क्या बचा है, 6 = d2/3 ना बचा है, जो 1 1 है ना उसको तो निगलेक्ट करना होता है, क्योंकि एनीथिंग इंटू वन सेम ही चीज होते हैं, जैसे 12 × 1 तो 12 ही होता है, 12 / 1 भी 12 ही होता है, तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं हम ना। 6 = d2/3, अभी 3 इधर डिवाइड में ना, इधर आगे क्या करेगा मल्टीप्लीकेशन, तो 6 × 3 = क्या होगा तुम्हारा d2, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे लिख रहा होगा, लिखता हो वैसे दिखता होगा, लेकिन फिर भी d2 = क्या हो गया 6 × 3, और 6 × 3 कितना होता है 18 होता है, यानी तुम्हारा d2 कितना हो गया 18 डेज आ गया, हो गया आंसर 18 डेज तुम्हारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन सिर्फ ऐसे नहीं कट कट करके करा करो, है ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा, यदि आपको पता नहीं होगा ये चीज, पता नहीं होगी तो प्रैक्टिस से हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में नहीं क्या उसका आंसर आपको देना है, और फिर अच्छे से बढ़िया जो जो भी आपको लगे ना लेक्चर के बारे में उसको कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी अचीव करने हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे 1000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हो जाएंगे ना, हम लाइव करने लगेंगे, और यूट्यूब पे फिर यूट्यूब क्या करते हैं, जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक लाइव का ऑप्शन ओपन कर देता है, फिर हम लाइव वीडियो कर सकेंगे, तो हमारा और अच्छे से हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला है ना, हर रोज अभी हम वन वन मतलब हर रोज एक एक वीडियो डालेंगे मैथ का, लेकिन उसका रीजन सिर्फ यही है, डिफिकल्टी अभी थोड़े 4-5 दिन में इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है, ब्रॉडबैंड जैसे ही 4-5 दिन में आ जाएगा ना, तो हम हर रोज एक एक वीडियो डालने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा सा नेट का इश्यू ना, तो ब्रॉडबैंड आके वो इश्यू सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हर रोज आपको एक एक वीडियो मिलने लगेगा 4-5 दिन के बाद। लेकिन मैं ये हर रोज एक एक वीडियो इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए आपका ये रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम
और अच्छे से आपको बहुत अच्छा अच्छा कुछ लेके आएंगे। तो यही आपके रिस्पॉन्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको पसंद आ रही चीजें तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर चलो, फिर अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।